सुबह के 5:30 बजने हैं। वो ऊपर पहाड़ों के ऊपर आपको बर्फ दिख रही होगी, शायद कैमरा जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं मुझे पता नहीं, अगर ऊपर बर्फ है। और हमें वहीं तक बाइक लेके जाना है। मजाक कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, डे 2 शुरू होता है आज। आज हमारा ट्रिप यहाँ से है, जिस जगह पे है उसका नाम है लाचेन, और हम लाचेन से निकलते हुए जाएंगे गुरुदंगवा लेक की तरफ, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट है। एग्जैक्ट 17,800 फीट पे है, अप्रॉक्सीमेट 18,000 मान के चलते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर अभी 2 डिग्री हो रहा है, तो बहुत ही एक फ्रेश व्यू आ रहा है। नीचे एक वाटरफॉल है, उसकी भी आवाज़ कॉन्स्टेंटली आ रही है। अभी खिड़की को बंद करता हूँ और फ्रेश हम लोग हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट करने का अभी कुछ इरादा सच है नहीं, बहुत टाइम कम है, तो चाय पियेंगे और निकलेंगे और डे 2 की शुरुआत होती है। सो टुडे वी आर हेडिंग टू गुरुदंगवा लेक लाचेन से, और यहाँ से फिर गुरुदंगवा जाएंगे और गुरुदंगवा से फिर आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। वो आगे मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। डॉक्यूमेंटेशन वाइज सारे परमिट्स हमने करवा लिए हैं। आप याद से अगर कोई भी आता है तो सारे परमिट्स के बिना आप यहाँ पे घुस नहीं सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे बॉर्डर एरिया बहुत क्लोज है। सो आर्मी आपको हर चेक पोस्ट पर रोक देगा और आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स में आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये यहाँ पे नहीं चलता। सो यू नीड टू हैव अ वोटर आईडी कार्ड और आपकी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सब आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा। जेरोक्स कॉपी बहुत सारे रखिएगा, क्योंकि हर चेक पोस्ट पे वो एक जेरोक्स आपसे ले लेते हैं, और नहीं होता है तो आपको दोबारा वापस भेजते हैं और कहते हैं कि आप जेरोक्स करके लाइए। सो हमने तो जिनसे करवाया है राइड ऑन दुकान का नाम, उन्होंने हमें बंच पूरा बना के दे दिया है विद अबाउट 5 जेरोक्स ऑफ ईच डॉक्यूमेंटेशन। तो हम हर बार जाके उसको एक डॉक्यूमेंटेशन देते हैं, वहाँ पे वो साइन करते हैं, टाइम लिख के स्टैम्प करके दे देते हैं। तो दैट्स हाउ दे कीप अ कंट्रोल ऑन दिस। बाइक स्टार्ट हो चुकी है और टेंटेटिव 6:15 हम निकल रहे हैं, और यहाँ से गुरुदंगवा जाने में ऑलमोस्ट 3 घंटे लग जाएंगे। 60 किलोमीटर है, बाइक को स्टार्ट कर दिया और अभी हमारी बाइक थोड़ी गर्म हो रही है, रेडी हो रही है। तब तक सोमोजीत भी आ रहा होगा, वो लॉक वॉक करके आ रहा है। ठंड नहीं बता सकता आज का लुक, तो कुछ ठंड बता नहीं सकता। ये थोड़ी देर में तो खींचेंगे इसको, हेलमेट पहनेंगे और सील हो जाएंगे। ये देखिए जो गाड़ियाँ हैं ना, ये भी जा रही है गुरुदंगवा की तरफ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रेडी फॉर कितने लेयर? 4-5? 3 लेयर। 4 लेयर। सोमोजीत भी रेडी, हम भी रेडी। ग्लव्स पहनेंगे, बाइक स्टार्ट है, पेट्रोल है। 2 लेयर पहन गए, 2 लेयर ऑफ ग्लव्स। 132 हो रहा है, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम निकल पड़े। जैसा कि आप मेरे हेलमेट के अंदर देख सकते हैं, विजिबिलिटी कितनी कम है, अंदर फॉग ही फॉग हो रहा है पूरी तरह से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। यही प्रॉब्लम सोमोजीत को भी हो रही है और इसी वजह से उसने अपने हेलमेट का लिड ऊपर उठा के रखा हुआ है, और ठंडी हवा में उसको बाइक चलाने में बहुत दिक्कत हो रही है। आपने देखा होगा कि उसने डबल लेयर ऑफ ग्लव्स पहने, मगर वो वुलन ग्लव्स से उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अभी आगे हम इस ग्लव्स को चेंज भी करेंगे। प्रेशर काफ़ी कम होता जा रहा है जितना जाएंगे, तो उन्होंने बताया कि ऊपर काफ़ी टेम्परेचर लो है और स्पेसिफिकली विंड ज़्यादा है। दैट इज़ द रीज़न गुरुदंगवा पे अर्ली यू गो, अर्ली यू कम बैक, बिकॉज 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद आप ऊपर नहीं रह सकते। वहाँ पे हवा इतना तेज़ हो जाता है कि आपको ऑक्सीजन में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत दिक्कत है वहाँ पे। तो फाइनली हम इस पॉइंट पे पहुंच गए। ये पॉइंट बहुत फेमस है, करीबन 1.5 घंटा बाइक चलाने के बाद आपको वर्ल्ड का हाईएस्ट ये पॉइंट मिलता है, जो फौज चलाती है अपनी, मतलब इंडियन आर्मी चलाती है, जहाँ पे आपको डोसा मिलता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया, डोसा तो नहीं खाया, चाय पी, और इसी बिल्डिंग के बाद और एक बिल्डिंग आएगी जहाँ पे हमें अपने पेपर सबमिशन करवाने थे, और वहाँ पे सारी जितनी डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो सब करवाना था। करवाने के बाद यहाँ से हम निकल देंगे। ठंड इम्पॉसिबल हैंडलिंग कर पा रहे हैं, मतलब बता नहीं सकता कितना बुरा हाल है यहाँ पे। जहाँ पे वर्ल्ड कुछ हाईएस्ट दूसरा पॉइंट कुछ है, वहाँ से भी हैड टू बाय ऑल दिस लाइनर्स, जो चोमरी से देखिए हाथ में पहन लिया, और उसके बाद ग्लव्स पहनेंगे, और ये पैकेट देख रहे हैं, ये मेरे को जूते भी पहनने, मेरे जूते भी कैसे हैं।
सुबह वो चीज़ अ रॉन्ग डिसीजन तीन टे ऐसे एक्टर अलग बता तो ये जूतों के अंदर डालने के लिए हवा आ रही है ना बर्फीली वो पैर की उंगलियाँ फ्रीज हो जा रही हैं अनएबल टू दिस थिंग और एक डॉगी से मिलने आया बस एक काट नहीं सो करते हैं अपने आप को रेडी तो बॉक्स में ऐसे कुछ पैकेट पहने हैं उसके बाद अंदर डाल रहे हैं हाथ में कुछ ऐसे इसके बाद ग्लव्स पीछे आर्मी ऑफिस बाइक की परमिट्स करवानी है मतलब दिखानी है आगे बढ़ेंगे तो आप अगर बाइक लेके आ रहे हैं ना तो आपको यहाँ पे चेक पोस्ट है परमिशन करवानी है और आते हुए आपको काफ़ी आर्मी के पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है नो फोटोग्राफी जोन आई थिंक एज अ सिटीज़न इतना हमें मेंटेन करना चाहिए टू मेंटेन द रेस्पेक्ट अगर किसी ने लिख के रखा है तो वहाँ पे छुप छुप के फ़ोटो या वीडियो ना निकालना बेहतर है मैं ये जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ ना विद ड्यू परमिशन मैंने पहले पूछा कि फ़ोटो वीडियो ले सकते हैं कि नहीं उसी के बाद तो काफ़ी ऐसे जोन हैं जो रेस्ट्रिक्टेड है हमारे देश की जो सेना है वो प्रोटेक्ट करती है हमें तो एटलीस्ट एज अ सिटीज़न इतना तो हम कर ही सकते हैं उनके लिए तो अभी मेरे को सिर्फ ये कैमरा यहाँ बंद करना है और अकेले जाके अपने बाइक के पेपर्स चेक करवाने और वापस आना है पेपर्स चेकिंग करवा दिए सब कुछ हो चुका है वर्ल्ड के हाईएस्ट डोसा पॉइंट पे गर्मा गर्म एक चाय सुबह के 8 बज रहे हैं और निकलेंगे और जैसा मैंने कहा कि काफ़ी ऐसे पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहाँ पे आर्मी प्रोटेक्टेड एरिया है और बड़ा बड़ा करके हर जगह पे लिखा है कि फ़ोटोग्राफी या फिर वीडियो मना है तो आई थिंक कोई भी यूट्यूबर ब्लॉगर या कोई भी कंटेंट क्रिएटर इस चीज़ को रेस्पेक्ट करता है तो आई थिंक एज अ सिटीज़न इतना तो बनता है यार मतलब हम अपने ही देश का मैप यूट्यूब में नहीं चढ़ाएं तो बेहतर है ये प्रोटेक्टेड एरिया है थोड़ा पीछे तो बर्फ ही बर्फ है पूरी तरह दिखाने की कोशिश करता हूँ शो मुझे तो वॉशरूम गया आ रहा है नेवर्थलेस ये शो मुजीत और मैं वर्ल्ड एवरीबॉडी डोसा पॉइंट हम लोग चाय पी रहे डोसा पॉइंट में हम लोग चाय पी रहे अभी मतलब हालात ऐसे हैं कि पैर में पैकेट पहने आपको तो दिखाया मैंने क्या शो जी पैर में पैकेट हम ग्लव्स का डोलर पहना था उसमें कुछ नहीं हुआ फिर यहाँ से आके लाइनर खरीदना पड़ा नहीं तो हम चला रहा था मेरा हाथ और पैर ना सुन पड़ गया था पूरा उतर के कोई बैलेंस नहीं मिल रहा था यहाँ पे इतना ठंड है अभी देखो आगे गुरुगुमा क्या होता है सर्विस में है कोई बिजनेस में है कोई किसी काम में है नेचर में जब आते हैं ना लगता है कि तुच्छ इंसान है क्या ही करते हैं हम लोग शहर में जाके दिस इज अल्टीमेट पीछे बर्फ दिखाने की कोशिश करता हूँ देखिए पूरा लाइन है तो चाय पीते हैं आगे बढ़ते हैं तेल जो एक्स्ट्रा कैरी कर रहे थे उसको भर लिया है काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी कैरी करने में और तेल जो भी 5 लीटर था भर लिया पीछे एक चेक पोस्ट है शूट करना मना था ये लास्ट चेक पोस्ट है जहाँ से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद हम निकल जाते हैं बर्फीली बहुत ज़्यादा हवा है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट हम करीबन 15,000 फीट में और आप देख सकते हैं ये सब जम चुका है पूरी तरह से इट्स कम्प्लीटली फ्रोजन पीछे पहाड़ देखिए तो ये जो सोमोजीत और मैं यही बात कर रहे थे ये जो व्यू है ना दिस इज़ वी कांट कैप्चर ये मेमोरी है ये कैप्चर तो क्या ही फोटो वीडियो बनाएंगे तो अब हम चलते हैं आगे
पाँच मिनट का रास्ता था बाइक में, मगर बाइक हार मान गई है। हिमालयन BS6 मॉडल है, कुछ KTM है, KTM चढ़ गई बट वो रही बाइक खड़ी। फॉर सम रीज़न हमारी बाइक सांस नहीं ले पा रही है, तो एयर फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है और वो गियर नहीं लग रहा है उसका। सो तो हम अभी पैदल जाने की कोशिश कर रहे हैं उधर, देखते हैं। हमने काफ़ी कोशिश की बट ऑल फेल, ये बाइक ने साथ छोड़ दिया। BS6 इंजन है और इसमें कार्बोरेटर नहीं है, किसी भी तरह से ये बाइक ब्रीद नहीं कर पा रहा था, ऊपर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी। जब हमने बाइक में गियर लगाया ये बाइक वहीं बंद हो जा रही थी। वी हैड नो ऑप्शन, बाइक को हम लोग छोड़ के आगे बढ़ने लगे और RB बंकर्स आसपास थे तो उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। जब भी हमें बैठने का मन किया हम दो चार मिनट वहीं बैठ लिए, बैठ के हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मगर ये आने वाले टाइम पर हमें पता चला कि ये डिसीजन हमारा बहुत गलत था, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वहाँ तक जाना है और पैदल, और ब्रेक ले लेके ही पैदल चल रहे, कोई उपाय नहीं है। ऑक्सीजन लेवल इज़ वेरी लेस। यहाँ पे शोमोजीत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, जो उसने मुझे बाद में बताया, क्योंकि ये जो चढ़ाई है ये चढ़ना पॉसिबल ही नहीं है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल सी लेवल से करीबन 40-50% लेस है। तो मुझे थोड़ा सा पानी मैनेज कर रहे हैं और गाड़ी वालों से लिफ्ट के लिए पूछ रहे हैं कि अगर नीचे उतरते वक्त ये किलोमीटर भर का जो डिस्टेंस है अगर कोई हमें लिफ्ट दे दे, क्योंकि शोमजीत की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। 18,000 अप्रॉक्सीमेटली फीट पे हैं, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, हमारी बाइक नीचे कहीं उसके कार्बोरेटर चोक हो गए हैं और वो ऑक्सीजन ले नहीं पाया, इसी वजह से BS6 इंजन में ये प्रॉब्लम है। BS3 BS4 में इशूज़ नहीं है। करीबन 10-15 मिनट ब्रेक लिया अभी हमने, तब जाके मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। बहुत हवा चल रही है, मतलब बता नहीं सकता, आइस चल रहा है पीछे, तो सारे जितने भी पहाड़ हैं ना सारे बर्फीले हैं, लेक भी जमा हुआ है। ये कुछ गाड़ियाँ पीछे खड़ी हुई हैं, ये लोग जा रहे हैं, हमने सबसे हेल्प मांगी है, सबने ना बोल दिया। उन्होंने कहा कि उतरते हुए कोई दिक्कत नहीं है, बेबी स्टेप दीजिए, आराम आराम से उतरिए, और हम चढ़े भी उसी तरह से बेबी स्टेप से धीरे धीरे चढ़ गए हैं। 10 मिनट रुकेंगे, निकलेंगे। As far as location is concerned, बहुत बढ़िया location, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा लगा। We had to suffer little, not little, I think we had to suffer a lot. Expect नहीं किया था बाइक इस तरह से हमारे साथ धोखा दे देगी, मगर किया। ठंड बहुत है, टेम्परेचर देख के बता पाऊँगा आपको, अभी नहीं बता पा रहा, बट मेरे हिसाब से तो ये पता नहीं चिली हवा यार, ज़ीरो वीरो ही होना चाहिए वैसे। बाकी पीछे आर्मी के बंकर में भी घुसा, काफ़ी अच्छा लगा, फौज के बंकर के अंदर काफ़ी सारे बंकर्स हैं यहाँ पे। और शोमोजीत ने काफ़ी हेल्प मांगने की कोशिश की मगर कोई मदद हमें मिल नहीं पाई, क्योंकि उनके पास भी ये पॉसिबिलिटी थी नहीं कि हमें वो हेल्प कर पाए। जब लोकल ड्राइवर से पूछा कि टेम्परेचर कितना अभी चल रहा होगा, तो सब ने बताया कि 8-10 माइनस पे, मतलब -8 से -10 डिग्री अभी टेम्परेचर है, और विंड का प्रेशर तो मुझे पता नहीं कितना अभी होगा। सो फाइनली अभी कुछ कर नहीं सकते, अभी हमें नीचे खुद ही अपने आप को बचाना है। पता नहीं, शायद बाद में वॉइस ओवर करना पड़े, आई रियली डोंट नो। मगर कोई किसी को बोला है बाइक छोड़ने के लिए, कोई रेडी भी नहीं है बाइक छोड़ने के लिए, तो बेसिकली निकलेंगे यहाँ से यार, एक दो फोटो ले लेते बस। चेक पोस्ट से सारे पेपर्स ले लिए, निकल पड़े, और आर्मी से पता किया टेम्परेचर अभी यहाँ पे, मतलब चेक पोस्ट पे 1-2 के आसपास चल रहा है, और ऊपर -5 था, मतलब गुरुदोंगा लेक की बात बता रहा हूँ, वहाँ पे -5 टेम्परेचर था, बट हवा मतलब टेम्परेचर फॉल हो जाता है बिकॉज ऑफ वो चिली
बर्फीली हवा जो आती है उसकी वजह से। तो हम निकल पड़े और जा रहे हैं। आई वुडंट से कि तबीयत ख़राब हुई थी, बट या इट्स नॉट अ वेरी कम्फर्टेबल जोन टू बी ऑनेस्ट। ऑक्सीजन की कमी है ऊपर, तो बाकी ठीक है अभी, इट्स फाइन कम्प्लीटली। आगे चलते हैं, ये जोन थोड़ा सा फौज ने देख लिया ना, वैसे तो मैंने हर जगह मेंटेन किया है, फालतू में उठक बैठक लगा देंगे मेरी। चलिए आगे बात करते हैं। तो वीडियो के इस पार्ट को मैं बाद में शूट कर रहा हूँ, उस दिन हमारी हालत ही नहीं थी। हम सुबह करीबन 4:30-5 बजे उठ गए थे और 6:15 तक हम लोग होटल से निकल चुके थे लाचेन से। और निकलने के बाद, उसके बाद आपने वीडियो में देखा कितनी प्रॉब्लम आई। BS6 जो बाइक का ये था, मतलब वर्शन था, उसने बहुत प्रॉब्लम की। आर्मी बंकर का हमें सहारा मिल गया, बर्फीली हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। ऑलमोस्ट 11:30-12 तक हम लोग गुरुदंगमार में थे। बार बार लोगों ने बोल दिया था कि 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटे से ज़्यादा आप मत रुकिएगा, बट उस वक्त हम लोग जोश जोश में, हमें पता नहीं चला, हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया और इसके वजह से शोमुजीत की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। नीचे उतरने के बाद आर्मी के बेस कैंप के उधर फिर कुछ लोगों से हमें सपोर्ट मिला, जैसे कैम्फर या फिर कपूर कहते हैं, तो वो मिला शोमुजीत ने, फिर वो सूंघने लगा। तब तक मैं थोड़ा सा चाय पी रहा था और मुझे ऐसा लगा था कि मैं ठीक हूँ और शोमुजीत खराब है, एक्चुअली रियलिटी कुछ अलग थी। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हुई, इसी वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आप छोटा सा एक ब्लॉग का पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जो मेरा लास्ट कट था उस दिन मैं रिकॉर्ड कर पाया था। सो फाइनली लाचेन के होटल में अभी आ चुके हैं और आने हुए आते, मतलब आए हुए काफ़ी वक्त हो गया था, तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, रेस्ट ले लिया। अब यहाँ से निकल रहे हैं लाचुंग की तरफ, बट ये एपिसोड यहीं ख़त्म करेंगे, कल आपको दिखाऊंगा क्या होता है नहीं होता है। तो ये जो क्लिप आपने देखा ना, ये करीबन होटल में 1-1.5 घंटा उससे भी ज़्यादा शायद रेस्ट लेने के बाद, शोमुजीत नहीं है वो नीचे खाने चला गया था। मेरे तो हो ही नहीं रहा था, मतलब मेरे अंदर ऐसा हाल बन गया था, मतलब वीकनेस आ गई थी, सिर घूम रहा था, उल्टी जैसा हो रहा था। सो सब कुछ ओवरऑल मिला के, मतलब मेरे बॉडी में उतना स्ट्रेंथ ही नहीं था कि मैं इसके आगे की जर्नी कंप्लीट करूँ। मैंने तो सोच ही लिया था कि आज कुछ हो नहीं पाएगा, एंड देन वी फाइनली डिसाइडेड कि हम लोग आज के दिन लाचेन पे ही स्टे कर जाएंगे, लाचुंग नहीं जाएंगे। बट फिर होटल वालों से बात करने के बाद, उनके कुछ प्रायर बुकिंग्स थी, इसी वजह से हमको वो होटल छोड़ना पड़ा। और छोड़ने के बाद जब हमने होटल छोड़ ही दिया था, तो शोमुजीत ने कहा कि मैं फिट हूँ, मैं बाइक चला लूँगा, तू पीछे आराम से बैठ के सो जा, हम लोग चलते हैं लाचुंग की तरफ। विच वॉज अगेन अ वेरी गुड डिसीजन कि हम लोग वहाँ से निकल गए लाचुंग की तरफ। सो ये ओवरऑल जो गुरुदंगमार का हमारा इस बार का ट्रिप था, बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। चैलेंजेस काफ़ी थे, ऑफ रोडिंग थी, बाइक ने साथ नहीं दिया, आर्मी बंकर में बैठ गए, ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया, तबीयत खराब हो गई। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, इन सब गलतियों के बाद भी, इन सब ट्रबल के बाद भी, ऐसा लगता है कि एकदम वर्थ ट्रिप रहा, बहुत मज़ा आया। एज़ फार एज़ टूरिज्म इज़ कंसर्न, काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पर, बट ये ऑफ सीज़न था, इसी वजह से बहुत भीड़ नहीं थी। हम हार्डली, शायद बहुत हो गया तो 50-60 लोग ही होंगे उस दिन हम लोग सब मिला के ऊपर चढ़े थे। आज के इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपने पुराने दो व्लॉग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखें, आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें कोलकाता से हम लोग वंदे भारत, वो जो नई वाली ट्रेन है, उसमें हम लोग गैंगटॉक कैसे आए, गैंगटॉक से फिर हम लोग मंगन गए, बाइक रेंट किया, तेल भराया, उसके बाद हम लोग लाचेन आए और यहाँ लाचेन से गुरुदंगमार की जर्नी आपको इस व्लॉग में दिखी। इसके बाद वाले जो व्लॉग्स आएंगे आगे के होंगे, जहाँ पर हम नॉर्थ सिक्किम को पूरा कवर कर रहे हैं और ब्लॉग्स आते रहेंगे, जहाँ पे हम ईस्ट सिक्किम भी गए थे। गुरुदंगमार के बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट डाउन बिलो, आई प्रॉमिस यू मैं उसका जवाब आपको दूंगा। इस सीरीज़ के एंड में मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो भी बना दूं, जिसमें सारी कॉस्टिंग बता दूं कि कितना खर्चा आया, कितना टाइम लगा और चीपेस्ट होटल कहाँ पे मिला, कहाँ कहाँ पे हमें क्या क्या ट्रैवल हुए, एक ओवरव्यू पूरी तरह से आपको मैं गुरुदंगमार का बना दूंगा, अगर आप में से कोई भी प्लान कर रहा है नॉर्थ सिक्किम का, तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।